आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन और राज्य सरकार में तकरार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षक विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर राजभवन का रुख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल भाजपा के दबाव में है। वहीं विधिक सलाहकार के परामर्श को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगता है विधायक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल विभाग तैयार करता है, कैबिनेट मंजूरी देता है और विधानसभा में चर्चा के बाद पारित होता है। इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा से आया विधेयक है। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ये किसी एक की मर्जी से नहीं आया है, बल्कि ये विधेयक सभी दलों की सहमति से विधानसभा में पास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के अधिकार में जो है वो करे। राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती है और इसके लिए वे बहाना ढूंढ रही है। विधेयक पर राजभवन का रुख स्पष्ट नहीं है, कभी कुछ सवाल जवाब करते रहेंगे। मालूम हो कि विधानसभा से पारित आरक्षक संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार ने राजभवन को 10 बिंदुओं पर जवाब भेज दिया है। पिछले दिनों राज्यपाल ने सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। हालांकि अभी विधेयक को मंजूरी मिलेगी या नहीं इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि राज्यपाल सरकार के जवाब संतुष्ट होती है या नहीं इस पर निर्भर करता है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जवाब भेज दिया गया है, अब राज्यपाल अनुसुईया उइके को संशोधित विधेयक पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वहीं मामले में राज्यपाल ने बिलासपुर में कहा कि वह पहले जवाब परीक्षण करेंगी, इसके बाद विधेयक पर विचार करेंगी। आजकल छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा कर रहा है। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सिया। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहां तक आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मत से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष का सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से पारित हुआ है। ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है, ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं।